सुना आपने जय जयकार के जोर शोर से लगते नारे, ये केवल किसी नेता के लिए नहीं बल्कि एक युवा के लिए हैं। एक ऐसा युवा जिसमें लोग अपना नेता देख रहे हैं, युवा दलों का एक ऐसा हुजूम जो दुष्यंत को अपना नेता मान चुकी है। सांसद दुष्यंत चौटाला जहां पर भी जाते हैं सीएम आया रे सीएम आया के नारे भीड़ लगाती है। इस भीड़ में वो लोग होते हैं जो बुलाए नहीं जाते बल्कि अपने नेता को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं, क्योंकि गोहाना रैली के बाद में पनपे विवाद को लेकर के हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला और प्रतिपक्ष नेता अभय सिंह चौटाला के बीच में कार्यकर्ताओं की नज़र मतभेद देख रही है। वहीं दो धड़ों के कगार पर पे बटने वाली पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा आगे निकल सकते हैं दुष्यंत चौटाला, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं छोटी छोटी जनसभाएं करते हैं और इन जनसभाओं में युवाओं के अंदर जो जोश है उसको लेकर के जो निष्कर्ष निकलता है और विश्लेषण के परिणाम जो सामने आते हैं उससे यही पता लगता है कि युवा वर्ग दुष्यंत चौटाला के साथ हैं और किसी भी सूरत में एक बड़ा पद देने को तैयार है। हालाँकि ये फैसला INLD का हो सकता है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस पर क्या सोचते हैं ये भविष्य के घर में है। लेकिन आपको बता दें कि आज ही हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला आज जींद पहुंचे थे और जींद में जैसे ही दुष्यंत चौटाला वहां पहुंचे सीएम आया रे सीएम आया के नारे गुंजायमान हो उठे, मारो पूरा जींद गूंज उठा हो। हजारों की संख्या में युवाओं ने दुष्यंत के समर्थन में जोर जोर से नारे लगाए। वहीं सांसद दुष्यंत चौटाला ने भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि संयम रखें और उन्होंने इन्हें लो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की हर बात मानने की बात कहते हुए यह फिर से दोहराया कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वह उन्होंने और जो नोटिस में भेजा गया था वह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की भाषा नहीं हो सकती। यही बात उन्होंने सिरसा में भी कही थी और हिसार में भी कही। उन्होंने कहा कि पूरी शक्ति उन्होंने इनेलो को शक्ति प्रदान करने की कोशिश की है और पूरी ताकत लगाई है। गोहाना रैली के बाद उन्हें दिए गए नोटिस में आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है। इसी पर उन्होंने सुनामी वाली बात भी फिर से दोहराई कि एक बूंद को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, पूरे समंदर के अंदर गहराई नापनी होती है। उनका कहने का अर्थ यही था कि पूरी पार्टी को ही खोजबीन करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा भी था कि कुछ लोग ऐसे हैं पार्टी के अंदर जो मौजूद हैं और वो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, संगठन को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को जोश के साथ होश रहने की भी अपील की और उन्होंने कहा कि वे उनका मान और सम्मान घटने नहीं देंगे, यह विश्वास रखें। और इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। Yeah!
बाबा की।